Welcome to my YouTube channel Kota Classes. In the previous video, we already discussed about matrix and types of matrix. But today we will do operation on matrix. Matrix में हम दो और more matrix को add कर सकते हैं, subtract कर सकते हैं, multiply कर सकते हैं. First we करें, we will do addition of two matrices is possible only when their order is same. It means अगर हमारे पास A n matrix है जिसमें हम numbers देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हमारे पास बी भी एक मैट्रिक्स है जिसमें हम वैल्यूज ले रहे हैं -3, 2, 6, 3, 4, 5 इसका ऑर्डर क्या है 2 इसमें रोज है 3 इसमें कॉलम्स है सेम हियर 2 इसमें रोज है 3 इसमें क्या है कॉलम्स है इट मींस इन दोनों मैट्रिक्स की एडिशन क्या है पॉसिबल है बिकॉज इन दोनों में नंबर ऑफ रोज भी सेम है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या है सेम है तो हम इनको ऐड करेंगे ऐड करते समय फर्स्ट नंबर को फर्स्ट एलिमेंट को हम फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ और थर्ड एलिमेंट को हम ऐड करेंगे थर्ड के साथ अब हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कंप्लीट कर लिया अब हम सेकंड रो के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे 4 + 3, 5 + 4, 6 + 5 ओके इट इज द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस हाँ जी नेक्स्ट इज एडिशन के आफ्टर आते हैं हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर ऑर्डर इज आल्सो सेम फॉर एग्जांपल हमने ए की वैल्यू ले ली हाँ जी इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2 इसका ऑर्डर भी क्या है 2 by 2 अब हमने लेने a माइनस बी 1 को हम माइनस करेंगे 4 के साथ 5 को हम माइनस करेंगे 3 के साथ 4 को हम माइनस करेंगे 10 के साथ -3 को हम माइनस करेंगे 6 के साथ Yes, we get -3, -6, 2 and 9 इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन करते समय भी इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास columns
नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स। दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं। अब जब पहले मैट्रिक्स में और दूसरे मैट्रिक्स में रोज भी इक्वल होती हैं एंड कॉलम्स भी इक्वल होती हैं, इट मींस अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में थ्री रोज हैं तो सेकंड में भी थ्री होनी चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स में टू कॉलम्स हैं तो सेकंड में भी टू ही होनी चाहिए। ऑल्सो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल हमने ए की वैल्यू एड कर ली, ए बी सी 325, और P की वैल्यू भी हमने लेट कर ली ABC 325। ओके, अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, टू, और कॉलम्स है थ्री। इसमें भी रोज टू है और कॉलम्स है थ्री। अब हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स को मैच करेंगे। इसमें देखो फर्स्ट मेंबर है A, इसमें भी A है, इसमें थ्री है, बी टू सी और फाइव। हर एक मेंबर भी मैच कर रहा है और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपस में क्या है, सेम है। ओके, इट मींस ए इज इक्वल टू बी। हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं इसकी। अगर हमारे पास ए की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, बी की वैल्यू है 1, 2, 3, 4। ओके, अब देखो इसमें मैट्रिक्स में नंबर तो सेम है, इसमें भी 1, 2 है, 3, 4 है, इसमें भी 1, 2, 3, 4 है, बट देखो कॉलम और रो सेम है, इट मीन इसका ऑर्डर भी सेम है। अगर हम बात करें कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स की, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, दीज मेंबर्स आर नॉट इक्वल। ओके, ये देखो अगर हम इसको देखेंगे ये कौन सा मेंबर बनेगा, ए 1, 2, इट मीन्स इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर कौन सा हुआ, 3 का हुआ 2 और 2 का हुआ 3। इट मीन्स दीज आर नॉट इक्वल, 3 इज नॉट इक्वल टू 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स बनाना हो, तैयार करना हो दिए हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे हम लेते हैं कोई भी जनरल मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्टिव मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लेट कर दिया। ओके, अब हम इसका
टू वन, ओके। हाँ जी, फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन। फिर हमने लेना सेकंड नंबर वन टू, फोर इंटू वन थ्री इंटू टू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वी गेट माइनस टू, बट दिस इज द साइन ऑफ मॉडुलस, ओके। सो माइनस टू चेंज इंटू टू। इसके आफ्टर हमने ले रहे हैं टू वन, आई की वैल्यू हम दो पुट करेंगे और जे की पुट करेंगे वन। वी गेट फाइव। हाँ जी, फिर हमने नेक्स्ट नंबर ले लिया ए टू टू, आई की वैल्यू भी हम टू पुट करेंगे और जे की वैल्यू भी हम टू पुट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थ्री वन, मैट्रिक्स एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब हम इसको सॉल्व करें,
मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 9 3 को 2 के साथ किया 6, 3 को 0 के साथ किया 0, 3 को 3 के साथ किया 9। ईच नंबर के साथ जो स्केलर है वो मल्टीप्लाई होएगा। प्लस 4, दिस इज आई, यहाँ पे हम आई की वैल्यू पुट करेंगे 1001। अब हम 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ, 4004, इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 प्लस 4, 6 प्लस 0, 0 प्लस 0, 9 प्लस 4। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास 2m को हमने ऐसे ही लिख लिया बिकॉज हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, और ये वाले मैट्रिक्स को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, अब हमारे पास m की वैल्यू आ गई, जो 2 था वो बन गया 1/2, 12 2n-8, 1/2 को हम हर एक मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 6, 1 1-4। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे 2 मैट्रिक्स फाइंड आउट करने हैं x एंड y। अगर हमने 2 मैट्रिक्स फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो भी 2 होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है 2x+3y=this matrix and 3x+2y=this matrix। अब हमने देखो ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करने है, जैसे हमने यहाँ पर कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है, और कौन सा मेथड लगाएंगे हम, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, वी गेट 6x+9y। 3 को हम ये सारे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 0। अब यहाँ पर हम 2 के साथ करेंगे 4। अब देखो ये दोनों जो कोफिशिएंट्स हैं इनके x के वो सेम हो गए, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, वी गेट 5y। और ये सारे मैट्रिक्स में से हम इसको माइनस करेंगे, यस वी गेट 4 6-4 2 9+4 13 12+2 14 0-10, वी गेट -10। वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो 5 है, 5 को जब हम राइट साइड में लेके जाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा, वी गेट 2/5, 13/5, 14/5, 10/5, वी गेट 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स y। अब हम इन इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे, जैसे कि पहले हमने x के कोफिशिएंट्स को सेम बनाया, अब हम y को सेम बनाएंगे। y को सेम करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, वी गेट 4x 6y।
प्लस सिक्स वाई अब हमने देखो मल्टीप्लाई कर लिया और जो हमारे y के कोफिशिएंट्स हैं वो सेम आ गए। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस किया 5, 4 6 8 0 अब हम इनको माइनस करेंगे 4 माइनस 6 6 प्लस 6 8 प्लस 3 0 माइनस 50 x इक्वल टू यहाँ पे माइनस 5 है, माइनस 5 को हम इस मैट्रिक्स में शिफ्ट कर देंगे, वी गेट 2/5 माइनस 12/5 11/5 15/5 3 सो वी गेट मैट्रिक्स x एंड मैट्रिक्स y। यस स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इन नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक्स।